धरती का बोर्डली में रहती हूँ। मैं पहली कक्षा में पढ़ती हूँ, फर्स्ट वी, सिक्स ईयर ओल्ड। बहुत मोटी 4.5 किलो की थी, तो उसका ऐसा मतलब निकला था तो उसको सब प्यार से लड्डू लड्डू उसको दोनों गाल खींचते थे, तो उसको लड्डू भी रख दिए प्यार से। मैडम आप नहीं पढ़ सकते अभी, जो है वो भी भूल गए हैं अभी, इतना बच्चे को 3 ठी संभालते हैं, घर का काम अपना मतलब करते हैं, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो पढ़ाई पे अब नहीं कर पाएंगे अपना मतलब। जहाँ तक काबू चलेगा मतलब फीलिंग रहेगा उतने तक पढ़ाएंगे, अपनी कोशिश भी सोचेंगे। मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है। मैं स्कूल आती हूँ तो प्रार्थना होता है, मन का विश्वास कमजोर पढ़ाई करती हूँ। पढ़ाई के बाद और शुक्रवार को भी 11 से 12 बजे तक रहता है, तो बच्चों को यूज करने के लिए देते हैं, उस समय हफ्ते में 2 बार देते हैं। जो प्रोग्राम है वो सिंपल टैबलेट प्रोग्राम है। लास्ट पीरियड में इतना उत्सुक होते हैं कि वो यूज करने के लिए एकदम ऐसे लगता है कि उनको कब हाथ में ये सिंपल का प्रोग्राम आ जाए, और उसके बाद वो एकदम बिजी हो जाते हैं। बिजी होने के बाद तुरंत ऐसा हो जाता है कि वो बेसिक क्रिया से आगे आगे जाके फिर उसको फॉलो करते हैं। ये अवंतिका नाम की जो लड़की है उसमें ऐसा बदलाव आया है कि उसको जिस दिन टैप का पीरियड रहता है उस दिन वो बहुत उत्सुक रहती है, यूज़ करते समय उसको कुछ बताना नहीं पड़ता है, बेसिक क्रियाएँ वो एकदम फॉलो अच्छे से फॉलो करके आगे के लेवल तक वो पहुँच जाती है। इसका रही तो आगे जाके वो टेक्नोसेवी बन के उसका फ्यूचर आगे ब्राइट हो सकता है। टैबलेट पे मैं कोई भी सीढ़ी करने में अच्छा लगता है। खाना में दाल चावल उसको बहुत पसंद है। मैं पढ़ाई के बाद तो भी रिसर्च में मुझे लंगड़ी खेलने अच्छा लगता है। ये बच्चे जो हैं वो गरीब परिवार के बच्चे हैं, जैसे कि किसी के माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, किसी का कोई घर में काम करते हैं, कोई मजदूर हैं, कोई टेलरिंग करते हैं, और कुछ जो जैसे माँ हैं वो कहीं फैक्ट्री में जाके, जैसे लिज्जत पापड़ नज़दीक है तो वहाँ जाके रोटी बनाने का भी काम करते हैं। ये शिक्षा देना जो है इन्हें गरीब बच्चों के को एक तरह से पढ़ाना या ज्ञानदान करना जो है सबसे पवित्र काम माना गया है, और मेरा ऐसा मानना है कि अगर हमको बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए तो वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे। तो मैं जो है वो अपने समाज और देश के लिए काम करना चाहती थी, इसीलिए मैंने इस प्रोफेशन को चुना। मतलब 6 बजे उठते हैं हमारे पति, हम दोनों मिलके समोसा बनाते हैं, बच्चे को भी तैयारी करते हैं, उसमें खाना पीना बनाते हैं, फिर 2 बजे के बाद मेरा आदमी जाता है तो रेड़ी पे धंधा लगाते हैं, समोसा बेचते हैं, वड़ा बेचते हैं। पढ़ना भी आता है थोड़ा बहुत,
क्या कहते हैं, लिखना तो बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ नाम हम अपना लिख लेती हूँ। माँ बाप जो करें हैं वो बच्चे को नहीं करना पड़े तो अच्छा है, अपने मतलब जो उनकी ख्वाहिश है वो भी उनकी भी ख्वाहिश रहती है ना, वही सोचते हैं कि जो बच्चे का ख्वाहिश है वही माँ बाप पूरा करेंगे तो अच्छा है। मैं तो 5वीं क्लास पढ़ी हूँ पर उतना नहीं आता। हाँ जी, हमको मैं तो सोचती हूँ कि हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा बढ़े पढ़ने में आगे, क्योंकि आज वही ज़माने में चल रहा है, पढ़ाई ज़्यादा वही चाहिए। जी ज़रूर, मेरे बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स से बेहतर ज़िंदगी जो है जीने वाले, क्योंकि हम जो है पेरेंट्स को बुलाकर इस तरह का अवेयरनेस कर रहे हैं कि वो एजुकेशन के बारे में अपने बच्चों के लिए अवेयर हों और नेचुरली कि वो अपने बच्चों को जो है एक अच्छी ज़िंदगी देना चाहते हैं। इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि बच्चे जो है पेरेंट्स से आगे जाके एक अच्छा जीवन जिए। अवंतिका भी जैसे पढ़ रही है वैसे अगर लगातार पढ़ते जाएगी, बड़े होके वो जैसे उस साइंटिस्ट बन सकती है या और उसको जैसे लगता है डॉक्टर बनेगी ऐसा। अगर आपके बच्चों के लिए आप कुछ भी ला सकते हो, उनके लिए कुछ भी हो, कोई भी सपना उनका पूरा कर सकते हो, आपका क्या सपना है कि ये बच्चे इन बच्चों के लिए अगर आपको कुछ भी मिल सकता है तो आप क्या क्या मांगोगे बच्चों के लिए? अगर कोई आपको वरदान दे दे, है ना, भगवान ही प्रस्तुत हो जाए, इधर कृष्ण भगवान आ जाए, बोले मांग लो बेटा गीता, क्या चाहिए बच्चों के लिए, तो आपको क्या चाहिए? सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो यही पढ़ाई है, बच्चे के भविष्य पढ़ाई चाहिए, और क्या चाहिए आज की ज़िंदगी में? क्यों भाई नसीब में भाई पैसा, आजकल मेहनत करो, वही दो चीज़ आजकल अच्छा चलता है। मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना।